बेरोजगारी भारत में मोदी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी ने इलॉन मस्क के सहारे इसकी भी काट ढूंढ ली है। तो क्या अब भारत में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है? पर इलॉन मस्क कैसे नौकरियां देंगे? वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट। टेस्ला साल 2024 के भारत में लॉन्च हो सकती है। शुरू में तो इलॉन मस्क भारत में प्लांट शुरू करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त भारत सरकार टेस्ला की गाड़ियों पर 100% से भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लेती थी। लेकिन मार्च 2024 में भारत सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी में बदलाव किया, जिसके तहत इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटा के 15% तक कर दिया। लेकिन इसके बदले ये शर्त रखी गई कि जो भी ईवी कंपनी भारत में प्लांट बनाएगी उसे सबसे पहले भारत में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और अगले 3 साल तक 25% कार पार्ट्स मेड इन इंडिया खरीदने होंगे, जो 5 साल बाद बढ़कर 50% हो जाएंगे। इससे भारत में ईवी प्लांट के साथ बाकी पार्ट्स की फैक्ट्री भी बनाई जाएगी, जिससे भारत में रोजगार पैदा होगा। अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में से किसी एक राज्य में टेस्ला का ईवी प्लांट लगाने की बात चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ सालों में भारत भी चीन को ईवी सेक्टर में टक्कर दे देगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।